अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप क्या सब ठीक होंगे, खैर से होंगे, खैरियत होंगे। ये बोतल है, मैं भी ठीक हूँ, खैर से हूँ, खैरियत से हूँ। और मेरी लिपस्टिक वगैरह कुछ नहीं लगी हुई क्योंकि मैं अभी उठी हूँ बहुत जल्दी, 9 बजे उठ गई थी, अलार्म लगाया हुआ था। और अब मैंने लेंथ वेयर कर ली है, लेंथ वेयर कर ली है, सामान किधर है, सामान गाड़ी में रख दिया है। और आज है हमारी दहेजी का इवेंट, इतने गंदे मुँह के साथ। तो रात को देखना, हम कैसे रात को देना भी कैसे लगते हैं, हैं। और मैं कॉन्फिडेंस चेक करो यार, मैं कितनी अजीब लग रही और ना तुमने भी लेंस लगाया हो मेरा हाल यार। और अभी हम दूसरे घर जा रहे हैं, वहाँ से फटाफट नाश्ता करते हैं, मामा को पकड़ते हैं, मामा में ड्रॉप करती है सलोन। फिर मैं देखे इतनी सुबह सुबह मैं जा रही हूँ सलोन, सुबह सुबह नहीं 10 बज गए, 10 बज गए और फंक्शन हमारा रात को है, उठे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और अब मैं चलती हूँ दूसरे घर, फिर आपको दिखाती हूँ कि घर आ चुके हैं। अब मामा हमें ड्रॉप करने जाएंगी जल्दी। मामा मेरा टाइम हो गया, सिर्फ उसने मुझे ये दरवाजा बंद करो। फातिमा केस केस ने सलोन जाना है, लड़की हो जल्दी बताओ, केस केस ने नहीं जाना, जो नहीं जाएगा वो मेरे साथ जाएगा। सुबह सुबह उठा के मामू को भेज रहे हैं कि जाएं गाड़ी लेकर आए। मैं गिरने लगी थी। अब मामू जाएंगे गाड़ी लेने, फिर छोड़ के आएंगे, फिर नाश्ता करेंगे। जल्दी फूल भी लेने रास्ते से, जल्दी। तो जी सलोन जाने से पहले मामा ने सख्ती से कहा नाश्ता पहले करो, मामू को भी करवाओ और साथ खुद भी थोड़ा सा करो, क्योंकि तुम्हें रात को खाना खाना है। तो अब हम दोनों नाश्ता करते हैं, फिर हम जाते हैं सलोन। तो जी अब फाइनली निकल पड़े, नाश्ता वगैरह हो गया है। मामू जी बैडल वाली पाइप नहीं खाते। हाँ जी मैं आगे बैठूंगी आज। चलो गाइस चलते हैं, अब बैठ गए हैं, विराजमान हो चुके हैं, अब निकलते हैं यहाँ से और डायरेक्ट सलोन जाके आपको दिखाते हैं। तो गाइस फूल भी मैंने ले लिए हैं, मैं ये भूल गई थी, अब मुझे याद आया, तो जो मैंने लगाने हैं ब्रेड पे वो ये फूल होंगे। तो जी मैं सलोन आ चुकी हूँ, मानो ने मेरा सामान उठाया हुआ है, तो मैं अंदर जाऊँगी और अब प्यारा सा मेहंदी वाला तैयार होना है। अभी ये सेटिंग वगैरह मेरी करवाएगी मानूर, क्योंकि मेरी चीज़ें, क्योंकि मैं अकेली हूँ, इन्होंने अभी चले जाना मुझे छोड़ के, मेरी चीज़ें रखवा देगी, सब कुछ रखवा देगी, फिर यहाँ से ये रफू चक्कर हो जाएगी और मैं अकेली अकेली सलोन में रहूँगा। तो गाइस मेरी स्लिप बन चुकी है, अब हम जाएंगे ऊपर। ये देखिए मुझे मत लेकर आए, मेरा सब सामान उठाया है अच्छे बच्चों की तरह। तो वो जाते हैं और अब भी हम एक्सटेंशन भी पसंद करेंगे कि हमें कौन सी एक्सटेंशन चाहिए, तो फिर एक्सटेंशन भी लगवानी पड़ेगी सर पे। तो जी मैंने ड्रेस वेयर कर लिया है, ये रहा, अभी दिखा नहीं सकती हूँ, अब हम मेकअप स्टार्ट करते हैं अपना, फिर मैं अपनी अब आपको फुल लुक ही दिखाऊंगी। तो जी मैं गाड़ी में बैठ चुकी हूँ, पापा ने पिक कर लिया है, और मैं आपको अपनी फुल लुक अभी नहीं दिखा सकती, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी क्योंकि टाइम नहीं मिला। और मैंने अभी आज है ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसे ही रखे हैं, कल करेंगे इसको कुछ। और ये अब हम वेन्यू पे जाते हैं क्योंकि वहाँ शूट है हमारा, फिर वेन्यू पे जाके मैं आपको वेन्यू दिखाती। इतने रश में मुझे लेने आया है क्योंकि और कोई लेने वाला नहीं था। अब आपने तैयार कब होना है? अब पापा घर जाके तैयार होंगे, लेकिन मेरे शूट की वजह से सिर्फ पापा आए मुझे लेने, क्योंकि और कोई नहीं था। और ये देखिए मेरी मेहंदी कितनी प्यारी लग रही है, कितनी प्यारी दुल्हन लग रही है। तो भाई ये वेन्यू का वेट करते हैं, रश होता है, मैं वेन्यू पे पहुँचे फिर आपको वहाँ मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो जी गाइस हम पहुँच चुके हैं वेन्यू पे, ये रही मैं, इधर आओ इधर आओ। हाँ तो हम वेन्यू पे हैं और मैं और शान आ चुके हैं, और अभी थोड़ा सा डेकोर रहता है, वो हो रहा है। और सबसे पहले तो आप माशाल्लाह बोल दें, मुझे नज़र ना लगे। और दूसरी चीज़ ये है कि ये व्लॉग तब भी आएगा आई थिंक से जब वलीमा गुजर जाएगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होगा एडिट करने का और लगाने का। और फोटोग्राफर्स भी अभी आ रहे हैं, वो देखें। और अब हम शूट अपना करवाएँगे, कपल शूट, फिर उसके बाद मेहमान आएँगे, फिर एंट्रीज करेंगे, सब कुछ करेंगे। ओके बाय। तो वो बस फोटोग्राफर्स आ रहे हैं अंदर। जी गाइस हमारा बहुत ज़्यादा शूट हो चुका है, एक्सट्रीम लेवल की मैं थक चुकी हूँ इस टाइम। और मैं ऐसे ही हूँ क्योंकि मेरे ये कर्ल्स खुल गए हैं और ये मेरी ब्रेड टेढ़ी हो रही है, इसलिए मैं ऐसे बैठी हूँ कि कुछ ख़राब ना हो। और ज़िशान अभी बाहर गए हैं क्योंकि उनकी फैमिली आ गई है, तो अब उनके साथ उनकी एंट्रेंस हो रही है। और पहले मैं इधर देख रही थी, अब मैं इधर देख रही हूँ, एंट्रेंस हो रही है उनकी। और मैंने अपना फ़ोन बाहर रखवाया हुआ था, मंगवाया है, मैंने कहा आप लोगों को भी कुछ बताती चलूँ, दिखाती चलूँ। मैं अभी ना विंडो से देख रही थी,
आउच, मैं इतना थक गई हूँ, मुझे इतनी सर्दी लग रही है ना अंदर भी इस टाइम। अभी अभी इनकी एंट्रेंस होती है, फिर हमारी एंट्रेंस है, आपको मैं कैसे दिखाऊँ। अब मैंने फ़ोन भी बाहर नहीं भिजवाया, अब उनकी एंट्रेंस हो जाए फिर हम अपनी एंट्रेंस करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये पता नहीं किसकी एंट्रेंस हो रही है, समझ नहीं आ रही है कैसे देखूँ। मैं ब्राइट ऑनली देखने की कोशिश कर रही हूँ खिड़की से, बट मुझे लगता है मुझे बाहर से कोई देख रहा है कि मैं देखती हूँ, मैं आ गई हूँ वापस। पता नहीं किसकी एंट्री हो रही है। चलो ईशा, इसका जूम नहीं होता, जूम नहीं होता इसका। सेंटर बनाया सामने देखिए।